हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और आसान नाश्ता। ये हमने बचे हुए चावल से बनाया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आपको दिखाती हूँ पास से कितना सॉफ्ट है, एक हाथ से ही टूट जाएगा, और ऊपर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इस तरह से भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। हमने इसे दो तरह से बनाया है, तो वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर लिया है हमने करीब एक कटोरी राइस, एक प्याज। तो ये हमारे पास बचे हुए चावल थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका नाश्ता बना लिया जाए। तो यहाँ पे इसको डाल लेंगे और यहाँ पे लेंगे हाफ कप दही। अगर आप दही ना डालना चाहते हो तो इसकी जगह नींबू का रस ले लें, और अगर नींबू का रस भी ना डालें तो अमचूर पाउडर ले सकते हैं। प्याज को भी इसी के अंदर डाल देंगे। इसमें चार हमने लिए हैं लहसुन की कलियाँ और दो हरी मिर्च। एक लिया है यहाँ पे बॉईल आलू, जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसकी जगह आप कच्चे वाला आलू भी ले सकते हैं। नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 स्पून जाएगा जीरा और 1 स्पून जाएगी हल्दी पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा, कलर भी काफ़ी अच्छा रहता है। और 1/2 स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो क्वांटिटी कम रखें। अभी इसको हमने ऐसे ही बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस बर्तन में निकाल लेना है। थोड़ा सा हम हाथों की सहायता से निकाल लेंगे जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये पेस्ट हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बिल्कुल हमें इसका जो पेस्ट रखना है ना गाढ़ा ना टाइट, ऐसा रखना है। तो यहाँ पर लिया है हमने 1/2 कप बेसन। बेसन की क्वांटिटी को हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें इसे मीडियम रखना है। थोड़ा सा हम, जिससे कि क्रिस्पी बने हमारा नाश्ता, इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल लेंगे। इससे काफ़ी क्रिस्पी बनाता है। और इसमें थोड़ा सा हमने 1/2 स्पून अजवाइन भी डाला था, मैं इसमें दिखाना भूल गई। अजवाइन भी आप डालें क्रश करके, तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा डाइजेस्ट के लिए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बेसन आप अपने हिसाब से ले लें, अगर आपका ज़्यादा ये बैटर थिक ना हो, ऐसा ही बैटर रखना है, तो 3 चम्मच भी लग सकता है इसमें, 1/2 कप के करीब भी लग सकता है। तो हमारा ये बैटर हो गया है लगभग तैयार, तो हमें इसे इसी तरह का रखना है। करीब हम इसे 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे रेस्ट पर। थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें बैटर चाहिए, बिल्कुल पतला लिक्विड ही नहीं हम इसमें बनाएंगे। तो जब आप गिरे तो इस तरह से गिरे। तो थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। ये मेरा घर का बना हुआ है, तो इस गरम मसालों में हर चीज़ होती है, तो हल्का सा आप भी इसे ज़रूर ऐड करें। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर ओरिगैनो। ओरिगैनो से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप नहीं डालें, हटा भी सकते हैं। तो 1 स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें ओरिगैनो, जो पिज़्ज़ा पर डलती है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को इस तरह का जो नाश्ता है काफ़ी भाता है। ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सुपर सॉफ्ट नाश्ता बनने वाला है। तो इस तरह का हमें इसका बैटर चाहिए। मैं आपको गिरा कर दिखा रही हूँ इस तरह का। तो ये हमारा नाश्ता बिल्कुल बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने रख दिया है। अभी हाथों से थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेंगे और ऐसे ऑयल में डालते चले जाएंगे। इसकी छोटी छोटी सी हमें पकौड़ी बना लेनी है। ये पकौड़ी दोस्तों बहुत ही कमाल की लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको हमें पहले गैस को हाई फ्लेम पर रखना है, फिर गैस को कर देना है मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी बने और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट। इस तरह का नाश्ता बच्चों और बड़ों को सभी को भाता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में, या फिर कहीं जा रहे हो तब, या फिर अचानक आपको कोई हल्की फुल्की सी भूख लगी है, घर में आप इसको बना सकते हैं।
फटाफट से बनने वाला आपका ये नाश्ता है। और यहाँ पर ये नाश्ता मैं आपको दो तरीके से बनाना दिखाऊंगी। अगर बिल्कुल आपको ऑयल फ्री नाश्ता चाहिए तो उसके लिए एक ट्रिक और है, उसको भी मैं बताने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। अभी थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम इन्हें पलट लेंगे। सभी को पलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। डालते ही तुरंत इन्हें नहीं पलटना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, अंदर से चिपक जाते हैं। तो थोड़ा सा जब ऊपर से आप देखें कि कलर चेंज हो गया है, उसी को वन बाय वन करके पलट दें। सभी को हम फोर्क की सहायता से इसी तरह से पलटते पलटते हुए सेक लेंगे। गैस को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, बीच का, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना दोस्तों। तो इस तरह से जब ये आपकी पकौड़ियाँ बनेंगी तो बहुत ही कमाल की बनेगी और बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है इसमें। बच्चे और बड़े सभी टूट पड़ेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा जो बचा हुआ राइस है वो भी काम आ गया और हमारा नाश्ता भी टेस्टी बन गया। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो सभी को हम ऐसे अलटते पलटते हुए तैयार कर लेंगे। इसमें भी बहुत ही कम ऑयल जाता है, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। तो अभी इसको भी हम पलट लेते हैं सभी को इस तरह से, हल्का सा इनका कलर चेंज होने के बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे भी पता चले, पता काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है, कहाँ तक जा रही है। तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें अगर पसंद आए तो। तो अच्छे से इस तरह से लटते पलटते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी को हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। कलर आप देख सकते हो कुछ का चेंज हो गया है, तो जो जो का चेंज होता जाएगा अभी हमें इस तरह का कलर लाना है। तो इस तरह से हमारी बन गई है सुपर टेस्टी पकौड़ियाँ। वाओ, बहुत ही कुरकुरी बनती है और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट ऊपर से कुरकुरी, तो जिसको खाने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। अभी मैं जैसे ही डाल रही हूँ वैसे ही इनमें काफ़ी कुरकुरापन है, तो इनको भी निकाल लेते हैं। वाओ, तो बन गई है हमारी ये पकौड़ियाँ। तो अभी हम दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें 2 चम्मच के करीब पानी डालना है क्योंकि पेस्ट हमारा काफ़ी थिक है, तो नॉर्मल हमें इसे पेस्ट को कर लेना है। करीब ही हमें 3 चम्मच पानी और ऐड करने वाली हूँ इसमें। तो इससे क्या है, हल्का सा हमें इसे पतला कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे अब पराठा, जो बिना ऑयल के होगा, ऑयल फ्री नाश्ता रहेगा। अगर आपको बिल्कुल ऑयल का नहीं पसंद है तो आप इस तरह से इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है पानी को। अभी यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, तो पैन में हल्का सा हमने घी लगाया है ना के बराबर, और इस तरह से डालेंगे और इसको सेट कर देंगे हल्के से। गैस को यहाँ पे बिल्कुल हमें सिम पर रखना है दोस्तों, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। जब हम इसको बैटर को डालें, हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से हमें इसे सेट कर देना है बिल्कुल। अभी अच्छे से इस तरह से बहुत ही चिपकता है ये, तो इसलिए हल्का सा ऑयल ऊपर ज़रूर इसके स्प्रेड कर ले जब आपको इसे सेट करना हो। और यहाँ पे बिल्कुल सिम से थोड़ा मीडियम हम गैस को कर देंगे जब ये पकेगा। तो धीरे धीरे जब ये पक कर तैयार होएगा तो कमाल का ही इसमें टेस्ट आने वाला है। हल्का सा यहाँ पर हम फिर घी लगा देंगे, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जब आप ये नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही कमाल का लगता है। आप इसे दही के साथ, मट्ठा के साथ, छाछ के साथ या फिर सॉस या चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। कोई गेस्ट आए आप तब भी बना सकते हो। तो फटाफट से बनने वाला ये हमारी रेसिपी है। अभी इसको इस तरह से पलटेंगे क्योंकि ये क्या है वो होता है दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके अंदर राइस है और बेसन है, तो राइस से जो भी हमारी रेसिपी बनेगी वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो अगर सीधा सीधा आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए आप इस ट्रिक से निकालें जैसे मैंने निकाला है, तो फटाफट से आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा और बहुत ही कमाल का बनेगा। अभी इस बचे हुए बैटर से मैं ऐसे ही 2 पराठे बनाऊँगी।
तो एक बना लिया है, एक ये दो बनाए हैं हमने यहाँ पे, और यहाँ पर ये हमारी पकौड़ियाँ है। तो सर्व कर लेते हैं। वाह, बहुत ही बेहतरीन और कमाल। और यहाँ पर ये हमारे दो पराठे हमने जो बनाए हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, सुपर। तो यहाँ पे वाओ, बहुत ही बेहतरीन और सॉफ्ट सॉफ्ट। तो अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। एक ही हाथ से टूट जाने वाला ये नाश्ता है। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।